बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिंपल कुकिंग। मैं सबसे पहले अपने सब्सक्राइबर्स को ये बता देना चाहती हूँ कि हमने दिल्ली स्टाइल रेसिपीज से बदलकर जो है अपने चैनल का नाम बदल के जो है सिंपल कुकिंग रख दिया है, क्योंकि वो नाम मुझे थोड़ा मुश्किल लगता था और जो है लोगों को सर्च करने में भी परेशानी होती थी, तो इसलिए हमने ये जो है नाम चेंज कर दिया है। अब अगर आप कोई भी हमारी रेसिपी सर्च करें YouTube पर तो उसका नाम सिंपल कुकिंग के नाम से ही सर्च करें। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनाने के लिए आलू चिकन बनाने की सिंपल और इजी रेसिपी। ये हमने आधा किलो चिकन लिया हुआ है, 3 आलू, इनको इस तरीके से आपने स्क्वायर शेप में काट लेना है। 1 मैंने प्याज ली हुई है इसके लिए मीडियम साइज की, इसको बारीक बारीक काट लेना है। इसमें से मैं 1 चम्मच लहसुन डालने वाली हूँ, ये लहसुन ज्यादा है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो है 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है, 1/2 टीस्पून मैंने इसके लिए लाल देगी मिर्च ली है, 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने इसके लिए गरम मसाला पाउडर लिया है, 150 ग्राम के करीब मैंने इसके लिए दही लिया है और थोड़ा सा हम हरा धनिया भी इसमें डालेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम किया हुआ है पहले से, कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम कर लिया था और अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी सफेद इलायची, और ये 6 सफेद इलायची है और 8 से 10 लौंगे ली हुई है। इसको आपको अलग से फ्राई करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो प्याज के साथ ही फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि उससे टेस्ट जो है सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। प्याज फ्राई हो चुकी है और अब मैं इसमें 1 चम्मच है लहसुन डाल दिया है मैंने। सबसे पहले हम लहसुन को फ्राई कर लेंगे। जैसे ही खुशबू आने लगे आप इसमें मसाले डाल दें और ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए आपको इसको फ्राई करके फिर मैं इसमें दही डाल दूंगी। ज्यादा नहीं करना है आपने, क्योंकि मसाले जल जाएंगे फिर उसका मजा जो है खराब हो जाएगा। और अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ। अभी इसको मैं आपको बता दूं, थोड़ा भुनने में इसको टाइम लगेगा। हम एक काम और करते हैं, इससे मैं इसको दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट करके, और ये मैंने इसको दूसरे बर्नर पर शिफ्ट कर दिया है। इतने हमारा जो है, इतने ये जो है मसाले, देखिए इसमें काफी पानी है, दही है ये, जिसने दही ने पानी छोड़ दिया इतना ये भुनेगा। मैंने इतना ये करा है कि दूसरे चूल्हे पे मैंने फ्राई पैन रख दिया है और इसमें मैं बोटियां थोड़ी सी फ्राई करके निकाल लूंगी। थोड़ा सा हम ऑयल डाल लेते हैं, ज्यादा नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ बोटियां फ्राई करनी ताकि बोटियों का कच्चापन निकल जाए
अब बोटियों के में से जो बिसांद आ रही होगी वो निकल जाए। ये ऑयल गरम हो चुका है, इसमें इतना बोटियां रख देते हैं और इनको फ्राई करने का ये फायदा होगा कि ये थोड़ी सी इसके अंदर जो कच्चापन है, बदबू है, वो निकल जाएगी। ये बोटियां पूरी तरीके से फ्राई हो चुकी है और अब मैं इनको निकालते जा रही हूँ। और इसमें उधर हमारा मसाला जो है वो पूरी तरीके से भून चुका है। बोटियां फ्राई करके मैंने निकाल ली हैं और थोड़ा सा मैं ये देख रही हूँ कि मसाले में भी थोड़ी कसर बाकी है, इतने हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं, से भून लेते हैं इसको। मसाले को आप भून के बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी भुनाई करके उसकी बदबू निकाल दिया करें, बल्कि मैं तो भूनने के बाद भी जब मैं देखती हूँ भूनने के बाद भून तरीके से मसाला भून गया उसके बाद भी मैं उसको तकरीबन एक मिनट और भुनाई करती हूँ उसकी, ताकि जब ही जो है सालन में टेस्ट आता है। देखिए मसाला पूरी तरीके से फट चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने बोटियां फ्राई करके रखी हैं वो मैं डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें जो आलू काट के रखे हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। आधे कप से थोड़ा ज्यादा मैंने पानी लिया हुआ है। मैं आधा कप पानी इसमें और डाल रही हूँ, तकरीबन ये एक ही कप हो गया ये अच्छी तरीके से, ताकि बोटियां भी गल जाएं और आलू भी इसमें गलने चाहिए पूरी तरीके से। और तो मैं मीडियम फ्लेम कर रही हूँ, इसको हम ढक देते हैं। जब ये बोटियां और आलू पूरी तरीके से गल जाएंगे तो मैं इसकी एक बार बुनाई और करूंगी। इसे पकते हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं और इसमें अभी काफी शोरबा है और आलू भी तकरीबन अधगले हो चुके हैं। और मैं अब ये करूंगी कि इसको 10 से 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दूंगी, ताकि इसका जो आप ये शोरबा देख रहे हैं ये पूरी तरीके से जल जाए। इतने ये शोरबा भी जल जाएगा और आलू में थोड़ी बहुत कसर बाकी है वो भी पूरी हो जाएगी, मतलब पूरी तरीके से आलू गल जाएंगे और हमारा सालन भी भुन जाएगा। इसे पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं लेकिन अभी भी इसके अंदर आप देख सकते हैं पानी बाकी है, तो मैं अभी इसकी जो है फुल आंच करके इसकी अच्छे से बुनाई करूंगी, ताकि इसका जो पूरा पानी है वो जल जाए और ये अच्छी तरीके से मसाला पूरा भून जाए। आलू को देखते रहें बार बार, बोटियों को तो देखने की जरूरत नहीं, चिकन तो वैसे गल जाता है जल्दी। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद बस आप आलुओं को देखते रहें, जैसे आलू गल जाए आपने जो है सालन की बुनाई शुरू कर देनी है। ये जो मसाला है पूरी तरीके से भुन चुका है और अब मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ। मैं थोड़ा हल्का शोरबा रख रही हूँ, अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप इसको शोरबे को ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा गाढ़ा शोरबा पसंद है तो मैं ज्यादा शोरबा नहीं कर रही हूँ। शोरबा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रखना पसंद करते हैं, कितना खाना पसंद करते हैं। मैं इसमें अब डाल रही हूँ हरा धनिया। और
और जी ये हमारा सालन पूरी तरीके से तैयार हो गया है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और मैं इसको अब डिश में निकालने जा रही हूँ। ये आलू चिकन शोरबा मैंने सर्व कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। खुश रहिए, सलामत रहिए, आबाद रहिए।